बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती। हम कहते हैं कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। बरक्स इसके जो आपके पास वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। लाइक जो आपके पास मैमल्स हैं उनमें इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो हम उनसे क्या हैं, इनवर्टिब्रेट की निस्बत कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं। तो आज हम इनके अंदर लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आती है जेलीफिश। जेलीफिश जो है इसका जो ताल्लुक है वो है नाइडेरिया से। अगर हम इसकी ओवरऑल बॉडी के बारे में बात करें तो हम कहते हैं इसकी बॉडी जो है वो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बेल का नाम देते हैं उस पर मुश्तमिल होती है, और ये इसके अंदर जो है वो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके जो इंटरनल पोर्शन है उसके अंदर क्या चीज़ होती है डियर स्टूडेंट, कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको वाटर के साथ भरना होता है इसने। अब होता क्या है, जो वाटर होता है बेसिकली वो ये पहले क्या करती है, ओपनिंग के थ्रू वाटर को अपनी कैविटी के अंदर लेकर आती है और फिर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले क्या है कि वाटर इनटेक करेगी, वाटर इनटेक करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मसल अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मस्कुलर बेल और वी कैन से मस्कुलर डोम। जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वाटर जो है वो फोर्स के साथ नीचे आएगा, वाटर जो है फोर्स के साथ इसमें से निकलेगा। अब ये जो फोर्स ऑन वाटर एंड इट एक्ट लाइक अ जेट, बिल्कुल जेट की तरह ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये स्मॉल ओपनिंग होती है, जब ऊपर से मसल्स के जरिए इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है तो इस प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो डाउनवर्ड आएगा। जब वाटर डाउनवर्ड आ रहा है तो ऑर्गेनिज्म कब किधर जाएगा, ऊपर वाली साइड पे जाएगा। आपने एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो पढ़ा होगा कि जब कोई चीज़ फोर्स के साथ नीचे प्रोपेल की जाती है तो जो बॉडी है वो उसको ऊपर की तरफ लेकर जाती है, एंड दिस स्पेसिफिक फोर्स इज कॉल्ड जेट प्रोपल्शन। ये जेट प्रोपल्शन के थ्रू जो है वो मूव करती है, और उसके साथ साथ ये जो टेंटिकल्स होते हैं इसके, ये भी इसको उसमें एड करते हैं थोड़े बहुत। सो अब ये था बेसिकली आपके पास जेलीफिश के अंदर मूवमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आती है, दैट इज द स्नेल। स्नेल का जो ताल्लुक है मोलस्का से है, और ये बेसिकली क्या करती है, इसके नीचे इसका ग्लाइडिंग फुट मौजूद है, मस्कुलर फुट होता है ये, ये इसको हेल्प करता है ग्लाइड करने में, रिंगने में। ये इस तरह से रिंगती रहती है, लाइक जैसे मैं ये हाथ के साथ कर रहा हूँ। बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसका जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, और ये मस्कुलर फुट ही इसको हेल्प करता है ताकि ये ग्लाइड कर सके, क्रॉल कर सके उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। सो ग्लाइडिंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। उसके बाद हमारे पास आता है कॉकरोच। कॉकरोच जो है बेसिकली आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। अगर कॉकरोच की यहाँ पर डायग्राम बनाई जाए तो कॉकरोच की बॉडी कुछ यूं होती है, और इसमें आपके पास जो लेग्स होती हैं उसके पेयर्स होते हैं, दो फोर, दो सेंट्रल और दो आपके पास क्या हैं, हाइंड। तो ये जो है बेसिकली इसके पास कितनी हैं, थ्री पेयर्स ऑफ लेग, थ्री पेयर ऑफ लेग्स जो होते हैं, इनमें जो सबसे पहले वाली हैं वो आपके पास आती हैं फोर लेग्स, सेंट्रल जो हैं वो आपके पास प्रॉप लेग्स, और जो थर्ड वन आती हैं आपके पास दैट इज द हाइंड लेग्स। अब ये जो लेग्स हैं ये स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं, इसको स्विफ्ट वॉकिंग में हेल्प करती हैं,
स्विफ्ट वॉकिंग क्यों है, क्योंकि ये इसका जो ताल्लुक है डियर स्टूडेंट्स वो आर्थ्रोपोडा से, एक्जोस्केलेटन है, और इन्होंने एक्जोस्केलेटन के अंदर अडेप्टेशन ही ये की थी कि इन्होंने अपने जॉइंटेड लेग्स बनाई थी और उसमें थिन और फ्लेक्सिबल जॉइंट्स बनाए थे जिसकी वजह से ये स्विफ्ट वॉकिंग करती हैं। उसके साथ साथ ये फ्लाइंग भी करती हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है, एक वॉकिंग होगी दूसरी फ्लाइंग है, तो फ्लाइंग ये किसकी मदद से करेंगी, विंग्स की मदद से करेंगी। इनके जो विंग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ताकि ये जो है वो फ्लाई भी कर सके। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि ये जो आपके पास फोर लेग्स हैं ये क्या करती हैं, बॉडी को पुल करती हैं जिस तरफ इन्होंने मूव करना हो, ये बॉडी को क्या करेंगी, पुल करेंगी। और इसी तरह से हमारे पास ये जो हाइंड हैं ये बॉडी को पीछे से पुश करेंगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये पुल कर रही होती है और ये आपके पास पुश कर रही होती है, तो दरमियान वाली को हम प्रॉप बोलते हैं, इसी वजह से हैं कि वो एक प्रॉप के तौर पे काम कर रही होती है, सहारे के तौर पे काम कर रही होती है, ताकि जो है ये इसकी जो बॉडी बैलेंस है वो डैमेज ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। तो बेसिकली ये पुल करेगी, ये पीछे से पुश करेगी और इस तरह से ये जो है आगे की तरफ मूव करता है जिसने जिस तरफ इसने जाना होता है। अब डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि अगर ये पुल कर रही है तो ये पीछे से पुश करेगी, फिर ये पुल करेगी, ये पुश, फिर ये पुल, ये पुश, अगेन एंड अगेन जो है अल्टरनेटिवली ये पुल एंड पुश करती जाती हैं, उससे मूवमेंट जो होती है वो आपके पास स्विफ्ट हो जाती है और इस तरह से कॉकरोच जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चला जाता है। और जब इनको फ्लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने विंग्स को यूज़ करते हुए फ्लाई कर जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ द अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है वो एनिलिड से बिलोंग करता है। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड बॉडी के साथ साथ इनके अंदर ये स्टूडेंट्स फ्लूइड जो है, फ्लूइड फिल कैविटी प्रेजेंट होती है। एक्चुअली ये फ्लूइड ही क्या कर रहा होता है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है अलोंग विद। अगर मैं आपके पास इसका एक चैम्बर बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट है, यही एक सेगमेंट अगर यहां पर बनाया जाए तो इसमें दो तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं और वो मसल्स आपके पास जो हैं वो ये जो ब्लू के साथ बनाए गए हैं दीज आर सर्कुलर मसल, और ये जो रेड के साथ बना रहा हूं दीज आर लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो दो तरह के मसल्स हैं, एक आपके पास हैं सर्कुलर और दूसरे आपके पास हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अब ये मसल्स मिलकर क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास ये बैलून है, आप ऐसे ही समझ लें कि ये अर्थवर्म का एक सेगमेंट है। अब बेसिकली होता क्या है कि इसकी अलोंग द लेंथ जो है वो कौन से मसल हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और इसकी जो ओवरऑल जो डायमीटर है सर्कुलरली इसके कौन से मसल्स प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड सर्कुलर मसल। तो जब भी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये जो है ये सर्कुलर मसल हैं, जब भी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बॉडी थिन एंड लॉन्ग हो जाएगी। दोबारा से ये देखें, जब भी सर्कुलर मसल्स काम करेंगे बॉडी थिन भी हुई है और लॉन्ग भी हुई है। इसी तरह से जब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स काम करते हैं बॉडी थिक एंड शॉर्ट हो जाती है। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्कुलर मसल्स जब काम करेंगे तो बॉडी आपके पास थिन एंड लॉन्ग हो जाएगी, और इसी तरह से जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपके पास काम करते हैं अर्थवर्म के अंदर तो क्या होगा, बॉडी थिक एंड शॉर्ट हो जाती है। अब ये अल्टरनेटिवली काम कर रहे होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अल्टरनेटिवली जहां पर सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वहां पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स कर रहे होंगे। तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉडी जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, थिन एंड लॉन्ग हो जाती है, और इसके पास यहाँ पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सीटी का नाम देते हैं। अब इसके साथ जो अल्टरनेटिवली इसके पास जो मसल्स होंगे दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इन्होंने क्या किया हुआ होता है, बॉडी को थिक किया हुआ होता है, बॉडी जो है यहाँ जहाँ से थिक होती है। अब आप देखेंगे ये जो सीटी है एक्चुअली ये एंकर कर रही है। अब क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, कैसे मूव करेगी,
डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, इसी को अब मैं अर्थवर्म की एग्जांपल इसी से दूंगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अर्थवर्म होता है थिन एंड लॉन्ग होता है। देखें थिन है एंड लॉन्ग है। जब ये थिन एंड लॉन्ग है तो मसल्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। जब यहाँ आप ये देखें क्या होगा, अब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि सीटी जो है वो एंकर है नीचे, तो ये बॉडी को पीछे से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी शॉर्ट भी हो रही है और आपके पास थिक भी हो रही है। फिर इसी तरह से क्या होंगे, सर्कुलर मसल्स काम करेंगे, फिर उसी तरह से पीछे सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, दोबारा से फिर। डियर स्टूडेंट्स, ये पहले क्या था, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गी। जब भी सर्कुलर मसल्स का नाम ले रहा हो, इट्स मीन तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बॉडी थिन एंड लॉन्ग हो जाती है, और जब लॉन्गिट्यूडनल करते हैं बॉडी थिक एंड शॉर्ट हो जाती है। तो इस तरह की मूवमेंट को आप क्या बोलते हैं, अकॉर्डियन मूवमेंट। अकॉर्डियन जो है बेसिकली आपके पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ये उसकी तरह जो है वो मूव कर रहा होता है, और वी कैन से दिस इज अ वेव लाइक मोशन। तो इस तरह से अर्थवर्म के अंदर जो है वो मोशन होती है। बेसिकली सर्कुलर मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, बट इन दोनों को जो चीज़ एड कर रही होती है वो आपके पास पेयर ऑफ सीटी होते हैं। बहुत सारे सीटी हैं, हर सेगमेंट के पास एक एक पेयर होता है, तो वो क्या करते हैं, एंकरिंग में हेल्प करते हैं। जब ये एंकर हो जाता है, देखिए फर्स्ट पोर्शन एंकर है, तभी बॉडी पीछे से आगे जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टारफिश है। स्टारफिश का जो ताल्लुक है वो एकिनोडर्म से है। स्टारफिश की अगर मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो इसके पास 5 आर्म होते हैं, बट आज हमने जो बात करनी है वो हम इसकी लोकोमोशन के ऊपर बात करेंगे। तो लोकोमोशन पे बात करने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी का पता होना चाहिए। ये जो ब्लू लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हैं, इसके हर आर्म तक एक्सटेंड की हुई हैं, ये एक्चुअली वाटर कैनाल्स होती हैं। ये जो आपको ब्लैक से दिखाई गई है, ये इसकी ओपनिंग है, इसके जरिए क्या होता है, वाटर को इन कैनाल्स के अंदर फिल किया जाता है। जब वाटर इसके अंदर फिल हो जाता है तो अब देखें इसके पास स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्यूब फिट बोलते हैं। अब ये जो ट्यूब फिट है, इसको अगर दिखाया जाए तो ये देखें आपके पास ये कैनाल है, और इस कैनाल के अंदर ये क्या चीज़ लगी हुई है, दिस इज द ट्यूब फीड लगा हुआ है। तो वाटर इस ट्यूब फीड के हेड के अंदर भी जो है वो आ जाता है। जब वाटर इधर आता है तो ये क्या करता है, वाटर को पुश करता है। जब ये वाटर को अपने हेड से अलोंग द लेंथ ऑफ ट्यूब फीड को पुश करेगा, तो जो आपके पास ट्यूब फीड है इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब फीड इंक्रीजेस, उसको इंक्रीज किया जाता है। जब इंक्रीज किया जाता है तो अब इसके पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। सो इन मसल्स की मदद से इसकी मूवमेंट कराई जाती है। मूवमेंट किस साइड पर कराई जाएगी, अलोंग द स्टिमुलाई, जिस तरफ आपने जाना है या जिस तरफ का स्टिमुला है उस तरफ इसको क्या किया जाता है, मूव करवाया जाता है। जब ये मूव उस साइड पे करती हैं, देन क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये इसके नीचे सक्शन कप होता है। सक्शन कप जो है वो बॉडी के साथ अटैच हो जाता है फर्मली। अब अगर देखा जाए इसके अंदर एक्चुअली हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो काम कर रहा होता है, क्योंकि वाटर है और हाइड्रोलिक प्रेशर आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। जब ये किसी चीज़ के साथ चिपक जाता है तो ये वहाँ से फिर बड़ी मुश्किल से उतरता है, जब तक कि इसमें से वाटर बैक नहीं कर लिया जाता, दोबारा से इस हेड को अगेन से भर नहीं लिया जाता, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी लेंथ को दोबारा से शॉर्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक ये वहाँ से उतरता नहीं है। इसको लॉन्ग करने का मकसद ये होता है कि ये सबस्ट्रेटम के साथ, सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच हो जाए और उस तरफ जो है वो मूव किया जाए। और ये कोई एक ट्यूब फीट नहीं होती, सब मल्टीपल ट्यूब फीट्स होती हैं एक आर्म के अंदर, जिन्होंने क्या करवाना होता है, हेल्प करानी होती है लोकोमोशन के अंदर। और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो आपके पास क्या है, दैट इज़ द वाटर, एंड वाटर जो है वो इसके अंदर हेल्प करता है फॉर द हाइड्रोलिक प्रेशर एंड फॉर द सक्शन। उसके साथ साथ इसके पास डियर स्टूडेंट्स आर्म होते हैं,
फाइव आर्म हैं इसके पास, और ये जो फाइव आर्म्स होते हैं ये इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इस तरह से ये लोकोमोशन करती है स्टारफिश। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।